हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। महिंद्रा ने अपनी 2020 ऑल न्यू थार 4x4 को आज इंडियन मार्केट में अनवील कर दिया है। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे और ये गाड़ी कैसे पुरानी वाली थार से अलग है, आज इस वीडियो में आप लोगों को सभी डिटेल्स में एक एक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को आप एंडिंग तक ज़रूर से देखिए और वीडियो देखते देखते आप इस थार की जो नई डिज़ाइन है, नए इंटीरियर है, उन सभी चीज़ों को एंजॉय करती रहिए और साथ ही मैं आप लोगों के साथ में सभी अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या नया आया है उससे और उसके बाद में उन सभी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ऑल न्यू BS6 कंप्लाइंट इंजन ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको 2 लीटर एमस्टाल TGDI पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर एमहॉग डीजल इंजन मिलेगा। वहीं इसके अंदर न्यू गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल इंजन में एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन में। वहीं इसके अंदर आप लोगों को मैनुअल शिफ्ट ऑन फ्लाई 4x4 ट्रांसफर केस भी ऑफर किया जाएगा। ऑल न्यू रूफ ऑप्शंस में आप लोगों को हार्ड टॉप रूफ, फर्स्ट इन सेगमेंट मैनुअल कन्वर्टेबल रूफ एंड ऑप्शनल सॉफ्ट टॉप रूफ आपको मिलेगी। ऑल न्यू सीटिंग ऑप्शंस, 4 फ्रंट फेसिंग सीट्स ऑप्शन और साथ ही साथ 2+4 साइड फेसिंग सीट्स ऑप्शंस मिलेंगे। ऑल न्यू टेक्नोलॉजी फीचर्स, इसके अंदर आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो ऑनबोर्ड फीचर्स के साथ में। क्रूज कंट्रोल, एडवेंचर स्टैटिक डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही ऑल न्यू कंफर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर्स जैसे कि स्पोर्टी फ्रंट सीट्स, रूफ माउंटेड स्पीकर्स एंड लॉट मोर। इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग, ESP, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे कई सारे फीचर्स का ध्यान रखा गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जैसे कई सारे फीचर्स इंटीरियर में भी सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे। इस गाड़ी का जो शेल है वो उतनी सेफ्टी से डिज़ाइन किया गया है जैसा कि आप लोग महिंद्रा की दूसरी गाड़ियों के देख ही रहे हैं। 5-star, 4-star रेटिंग लेके इंडियन मार्केट में चल रही है और काफ़ी अच्छे जो है नंबर्स में सेल भी हो रही है। अब चलते हैं और थोड़ी डिटेल्स में जो है बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में और इसके जो नए लुक्स हैं आइकॉनिक डिज़ाइन के बारे में। तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है एक आइकॉनिक महिंद्रा थार का डिज़ाइन, LED डे टाइम रनिंग लैंप्स, ड्यूल टोन बम्पर, LED टेल लैंप, R18 डीप सिल्वर अलॉय व्हील्स यानी कि 18 इंचेस के, इनके साइजेस के बारे में बाद में आएंगे, चॉइस ऑफ 3 रूफ्स जो मैं आप लोगों, फ्रंट फॉग लैम्प। साथ ही न्यू आप लोगों को इंटीरियर मिलेगा ऑल ब्लैक विथ सिल्वर एसेंट्स, फॉक्स कार्बन फाइबर डिटेलिंग अराउंड द AC वेंट्स एंड सेंट्रल बेजल, जो मैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट इंडियन टॉक के ऊपर कुछ फोटोज बता चुका था जो लीक करे थे मैंने। अब बात करते हैं डायरेक्टली इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को एमस्टालियन 2 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन जो मिल रहा है उसमें 150 BHP की पावर 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ में मिलेगी। साथ ही 2.2 लीटर का एमहॉग CRD ई इंजन जो डीजल इंजन मिलेगा उसमें 130 BHP की पावर 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ में एंड 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन होंगे दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ में। शिफ्ट ऑन द फ्लाई 4x4 मैनुअल शिफ्ट ट्रांसफर केस विथ लो क्रॉल रेशो, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। अब वेरिएंट्स की बात आ जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को AX एंड LX स्ट्रीम्स में ये गाड़ी ऑफर की जाएगी। उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लिस्ट रख दे रहा हूँ AX की। ये स्टैंडर्ड बेसिक गाड़ी होगी जिसमें आपको फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप मिलेगा एंड 6 सीटर के कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, 2 फ्रंट फेसिंग सीट्स और 4 साइड फेसिंग सीट्स के साथ में। अब इसमें आपको और क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। चलते हैं आगे LX की तरफ। तो LX आप लोगों को ऐसी गाड़ी है ये महिंद्रा थार, इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करो, ऑफिस जाने के लिए यूज़ करो, हाईवे पे लेके जाने के लिए यूज़ करो, ये अगर आपकी इच्छा हो तो वीकेंड्स पे आप इसे ऑफ रोडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं अपने छोटे बच्चों के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में पूरी सेफ्टी के साथ में। जी हाँ गाइस, इसमें आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसे छोटे से छोटा बच्चा है तो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं, 3-point सीट बेल्ट आप लोगों को मिल जाएंगे चारों पैसेंजर्स के लिए और 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही आपको ये मिलेगी।
18 इंचेस के अलावा व्हील्स मिलेंगे, 255-65 टायर्स आपको इसमें दिए जाएंगे, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़े हैं। और इस सेगमेंट में कोई इसका तोड़ है ही नहीं। जो गाड़ी आती है वो है फोर्स गुरखा, और उसको भी अपडेट हो गया, अभी आना बाकी है। बट जो थार ऑफर कर रही है, जो महिंद्रा का नेटवर्क है, वो आपको कहीं कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में ऑफर कर ही नहीं सकती है। साथ ही थोड़ा सा अब जो है मैकेनिकल अपडेट्स इस गाड़ी की ले लेते हैं। तो इसमें आपको जो है ऑथेंटिक बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, अ ट्रू एसवी, इंडिपेंडेंस फ्रंट सस्पेंशन एंड मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन सेटअप, शिफ्ट ऑन फ्लाई व्हील 4x4 मैनुअल शिफ्ट ट्रांसफर किट विद लो रेशो, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल ऑन रियर एक्सल, फर्स्ट इन क्लास ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, क्लास लीडिंग अप्रोच 41.8 डिग्री, डिपार्चर 36.8 डिग्री, रैंप ओवर 27 डिग्री एंगल्स मिलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का मिल जाएगा अनलेडन कंडीशन में, वाटर वेडिंग डेप्थ 650 mm के मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं अप्रोक्स टच कर जाती है जो रेंज रोवर की गाड़ियाँ आती है उसको। ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं 255-65 प्रोफाइल के, R18 विथ वाइट लेटरिंग, द लार्जेस्ट टायर इन सेगमेंट, फर्स्ट इन क्लास इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट फीचर भी आपको इसमें ऑफर किया जा रहा है। वहीं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो इसमें आपको स्पोर्टी फ्रंट सीट्स मिल जाती है, और जो गियर नॉब्स पूरे इसके अंदर मिलते हैं वो IP54 रेटिंग है, यानी कि थोड़ा बहुत जो वाटर स्प्लैशिंग वगैरह होता है या आपको नॉर्मल साफ करना है, कहीं आप ऑफ रोडिंग करके आएँ तो उसे आप थोड़ा बहुत जो है वॉश कर सकते हैं, आप ऑल्स्ट्री वगैरह जो है वो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, ये आप लोगों को बिल्कुल कन्वीनियंट रखता है कि हाँ, जिस दिन आप गाड़ी को ऑफ रोडिंग करके आएँ संडे को, तो मंडे को आप इसी गाड़ी से ऑफिस भी जो है जा सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो लिस्ट मैं आप लोगों के सामने एक बार रख दे रहा हूँ, तो आप लोग रीड कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ी होती जाएगी और इसकी लिस्ट तो खत्म हो ही नहीं रही है। अब थोड़े से लोडेड फीचर्स जो हैं टेक्नोलॉजी के, उनकी बात करते हैं। तो 7 इंच का, जैसे कि आपको मैंने बताया, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB नेविगेशन फीचर के साथ में। अब फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट, इसके अंदर एडवेंचर स्टैटिक डिस्प्ले मिलता है ऑन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फर्स्ट इन क्लास एडवेंचर कनेक्ट महिंद्रा एडवेंचर कैलेंडर डिस्प्ले, फर्स्ट इन क्लास स्मार्ट वॉच एंड फोन कनेक्टिविटी विद ब्लूसेंस ऐप, TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले विद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक HVAC कंट्रोल, डीजल रेजिस्टेंस, IP54 डैशबोर्ड स्विचेस जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट इन क्लास ट्रैकट्रॉनिक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फर्स्ट इन क्लास टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी ऑफ रोडिंग का नॉलेज है तो आप जान जाएंगे इसको। क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फोन कंट्रोल्स भी आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स में आप लोगों को सभी चीज़ें बता चुका हूँ। साथ ही जो गियर रेशोज़ हैं, फोर व्हील ड्राइव, फोर हाई फोर लो रेंज, और बाकी इसके जो इलेक्ट्रोमैकेनिकली ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट फीचर्स हैं, जैसे कि फ्रंट एक्सल में मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल हैं, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल ऑन फ्रंट एंड रियर एक्सल, बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन वगैरह की बातें जो हैं अपन गाड़ी के साथ में ही करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें इसकी बता दी है, बाकी कुछ भी इस गाड़ी से रिलेटेड मेन चीज़ें तो मैंने छोड़ी नहीं है, बट थार एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। तो मेक श्योर आप चैनल पर बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें, एंड एक बार वेबसाइट indiantalk.com, जो कि इंग्लिश में मैं आप लोगों के साथ में कंटेंट वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया ऑटोमोबाइल सेगमेंट में आपके साथ कोई नहीं करता है, तो एक बार उस वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करें एंड सारी अपडेट्स वहाँ पर आप ले लें। एंड 2020 थार से रिलेटेड अब आप लोगों को कोई और डिटेल्स चाहिए, मुझे नीचे कमेंट करिए, वेलकम है आप लोगों का कमेंट में, इनबॉक्स में, और जहाँ पर आप आना चाहें सोशल मीडियाज़ पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे 24/7 मैं एक्टिव हूँ, सभी अपडेट्स वहाँ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है, ये एफर्ट मेरा अच्छा लगा है, सारी डिटेल्स आप लोगों को पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें। विकास बाइक स्कूटर्स के न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल में लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक लेगा इस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।